बिहार ने विश्व सभ्यता को पहला गणतंत्र तो दिया ही, विदेह राज जनक के रूप में पहला दार्शनिक राजा भी दिया। ये भी विश्व सभ्यता में एक अद्भुत उदाहरण है कि जिस बिहार में आस्तिक दर्शन का सूत्रपात हुआ, उसी भूमि पर जैन एवं बौद्ध जैसे अन्य दर्शनों का भी सूत्रपात हुआ। वर्चस्ववादी संस्कृतियों के विरोध में यहाँ से आवाजें लगातार बुलंद होती रही हैं। आइए चलिए बिहार की कहानी की शुरुआत करते हैं। शताब्दियों पूर्व बिहार के ऋषि विश्वामित्र ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को तत्कालीन संकीर्ण और रूढ़ मानसिकता से ऊपर उठाकर एक नई चेतना दी। विश्वामित्र ऋग्वेद के अनेक मंत्रों के रचयिता थे। उनका आश्रम आज के बक्सर जिले में स्थित था। राम और लक्ष्मण को लेकर उत्तर बिहार में स्थित विदेह की सीता से मिलाने का काम विश्वामित्र ने ही किया। लोग जब अपने जीवन के सच, औचित्य, संवेदना और विडंबनाओं का प्रतिबिंब किसी व्यक्तित्व में पाने लगते हैं, तो उससे हद तोड़ कर जुड़ने लगते हैं। सीता एक ऐसा ही व्यक्तित्व लेकर पैदा हुई। सीता ने अपने व्यक्तित्व से संपूर्ण नारी जगत को वो विश्वास दिया जहां उसे कभी अग्नि परीक्षा नहीं देनी होगी। बिहार की कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए महाभारत काल में आते हैं। इस काल के दो महान योद्धाओं को याद कर लेना जरूरी है। पहले मगध के जरासंध और दूसरे अंगराज कर्ण, जो कि वर्तमान भागलपुर जनपद के राजा थे। भागलपुर में कर्ण का किला पुरातात्विक धरोहर के रूप में आज भी मौजूद है। क्योंकि कर्ण किसी राजघराने के वारिस नहीं थे, इस कारण उन्हें पग पग पर अपमान का घूंट पीना पड़ा था। वो एक महान धनुर्धर होने के साथ साथ महादान व्रती भी थे और इस व्रत की रक्षा में ही उन्हें जान गंवानी पड़ी थी।